अमरपाल सिंह की खबर आ रही कि उन्होंने सरेंडर करवाया गया है। सर की है पूरा मसला, किन्ने बजे भाई साहब आए थे इतने, किन्ने बजे सरेंडर जरा किया गया? उन्होंने रात लेट वो इतने आए आ रोडे पिंड च, तो मैनू भी पुलिस तो पता लगा कि वो अज रोडे पिंड तो गिरफ्तारी दे रहे। मैं भी तकरीबन तो गिरफ्तारी तो थोड़ा चिर पहला ही इतने मैं पहुंचा, तो मैं उन्होंने गिरफ्तारी तो पहला मिलया, मिल के सारी गलबात भी की। उन्होंने दसिया, उन्होंने खुद ही कहता कि मैं गुरद्वारा साहब मत्था टेकन तो बाद संगत को संबोधन करूँगा, उस मैं खुद ही अपने हालात दस दूंगा कि मैं गिरफ्तारी अपनी मर्जी ना दे रहा। हुण तक गिरफ़्तारी ना देने की कारण सी ये मैं खुद ही दस दाँगा। उन्होंने गुरद्वारा साहब मत्था टेकया, पंज पाठ चौबी साहब के किए, वो तो पहला अपनी किट तैयार की, चोले पाए, परने पाए, कंघे दो लए, चप्पल लईया, चोले पाए, सो ये सारा तैयारी करके फिर गुरद्वारा साहब गए। फिर उन्होंने मत्था टेकन तो बाद संगतां नूं संबोधन किया, ब्रीफ जिहा उन्होंने दस्सिया कि इस तरह करके आ कारण सी जिन्हां करके मैं गिरफ़्तारी देने दे विच लेट रहा। नाल उन्होंने संगतां दा धन्नवाद किया जिन्होंने हुण तक मैनूं सांभिया, जिन्हां ने अरदासां कीतियां, जिन्हां ने पाठ कराए, चौबी साहब दे जपजी साहब दे पाठ कीते, उन्हां सारयां दा धन्नवाद किया। जिन्हां संगतां ने उन्हां ठहरां दित्तियां वो सारयां दा धन्नवाद करन तो बाद गुरद्वारा साहब तो बाहर जा के उन्होंने गिरफ़्तारी दित्ती, जिहदियां तस्वीरां भी हैगियां। कुछ फेक जे चैनल बड़ा शोर मचा रहे जी, उन्होंने इस तरह नप लिया गया, उसनू मजबूर कर दिता गया, ऐसी कोई गल नहीं सी, उन्होंने अपनी मर्जी के नाल गिरफ़्तारी दी है। सो इस उहदी वीडियो भी थोड़ा क्लीयर कर दूंगी, जे उन्होंने पहले ही फड़िया हुंदा कि पुलिस उन्होंने दोबारा संगत दे विच आ के संबोधन कर दिंदी। इस दियां झूठियां खबरां नहीं, हाँ पुलिस ने अपना वरसा रखना कि असीं उन्हूं गिरफ़्तार कर लिया, असली ये तय कि उन्हें अपनी मर्जी के नाल गिरफ़्तारी दी है। कितने बजे की गल है भाई जी? ठीक 7 बजे उन्होंने गिरफ़्तारी देती सी। कितने गुरद्वारा साहब चो जिथे दस्तारा बंदी होई सी? गुरद्वारा संत खालसा जिहड़ा कि श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले का जन्म स्थान है, इस स्थान तो उन्होंने आके गुरद्वारा साहब तो बाहर निकल के गिरफ़्तारी दी है। पुलिस को सूचित किया गया कि भाई जी उन्होंने किया होना, मैनू पुलिस से पता लगा है कि उन्होंने थोड़े पिंड तो अभी गिरफ़्तारी देनी है, मैनू बहुत लेट पता लगा है। ये मतलब सूचित तो अमृतपाल सिंह ने ही किया होगा, पर उस तो बाद तुरंत ही जी पुलिस अधिकारी आए थे, आई जी सी इंटैलीजेंस का, एस एस पी अजनाला सी, वो लैके उन्होंने इतों बठिंडे लै गए, बठिंडे तो बई एयर उन्होंने डिब्रूगढ़ लिजाया जा रहा है। कि कारण की दस्या जी कि किस हालातों के कारण की उन्होंने दस्ती है, बाकी तो साथी उन्होंने फड़े हुए थे, बहुत सारे साथी, उन्होंने कारण तो अपना आप ही दस्या है, मैं दस की लड़ नहीं। अमरपाल सिंह की खबर आ रही कि उन्होंने सरेंडर करवाया गया है, सर की है पूरा मसला, किन्ने बजे भाई साहब आए थे इतने, किन्ने बजे सरेंडर जरा किया गया? उन्होंने रात लेट वो इतने आए आ रोडे पिंड च, तो मैनू भी पुलिस तो पता लगा कि वो अज रोडे पिंड तो गिरफ़्तारी दे रहे। मैं भी तकरीबन तो गिरफ़्तारी तो थोड़ा चिर पहला ही इतने मैं पहुंचा, तो मैं उन्होंने गिरफ़्तारी तो पहला मिलया, मिल के सारी गलबात भी की। उन्होंने दसिया, उन्होंने खुद ही कहता कि मैं गुरद्वारा साहब मत्था टेकन तो बाद संगत को संबोधन करूँगा, वो मैं खुद ही अपने हालात दस दूंगा कि मैं गिरफ़्तारी अपनी मर्जी ना दे रहा। हुण तक गिरफ़्तारी ना देने दे की कारण सी ये मैं खुद ही दस दाँगा। उन्होंने गुरद्वारा साहब मत्था टेकया, पंज पाठ चौबी साहब के किए, वो तो पहला अपनी किट तैयार की, चोले पाए, परने पाए, कंघे दो लए, चप्पल लईया, चोले पाए, सो ये सारा तैयारी करके फिर गुरद्वारा साहब गए। फिर उन्होंने मत्था टेकन तो बाद संगतां नूं संबोधन किया, ब्रीफ जिहा उन्होंने दस्सिया कि इस तरह करके आ कारण सी जिन्हां करके मैं गिरफ़्तारी देने दे विच लेट रहा। नाल उन्होंने संगतां दा धन्नवाद किया जिन्हां ने हुण तक मैनूं सांभिया, जिन्हां ने अरदासां कीतियां, जिन्हां ने पाठ कराए, चौबी साहब दे जपजी साहब दे पाठ कीते, उन्हां सारयां दा धन्नवाद किया। जिन्हां संगतां ने उन्हूं ठहरां दित्तियां वो सारयां दा धन्नवाद करन तो बाद गुरद्वारा साहब तो बाहर जा के उन्होंने गिरफ़्तारी दित्ती, जिहदियां तस्वीरां भी हैगियां। कुछ फेक जे चैनल बड़ा शोर मचा रहे जी, उन्हां नूं इस तरह नप लिया गया, उसनूं मजबूर कर दिता गया, ऐसी कोई गल नहीं सी, उन्होंने अपनी मर्जी के नाल गिरफ़्तारी दी है। सो इस उहदी वीडियो भी थोड़ा क्लीयर कर दूंगी, जे उन्होंने पहले ही फड़िया होंदा कि पुलिस उन्होंने दोबारा संगत दे विच आ के संबोधन कर दिंदी। इस दियां झूठियां खबरां नहीं, हाँ पुलिस ने अपना वरसा रखना है कि असीं उन्हूं गिरफ़्तार कर लिया, असली ये तय कि उन्हें अपनी मर्जी के नाल गिरफ़्तारी दी है। कितने बजे की गल है भाई जी? ठीक 7 बजे उन्होंने गिरफ़्तारी देती सी। कितने गुरद्वारा साहब चो जिथे दस्तारा बंदी होई सी? गुरद्वारा संत खालसा जिहड़ा कि श्रीमान
संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले का जन्म स्थान है। इस स्थान तो उन्होंने आके गुरुद्वारा साहब तो बाहर निकल के गिरफ्तारी दी है। पुलिस नूं सूचित किया गया सी कि भाजी मैनूं उन्होंने किया होना, मैनूं पुलिस तो पता लगा है कि उन्होंने थोड़े पिंड तो अज गिरफ्तारी देनी है। मैनूं बहुत लेट पता लगा है, इहदा मतलब सूचित अमृतपाल सिंह ने ही किया होगा। पर उस तो बाद उन्होंने तुरंत ही जी पुलिस वाला अधिकारी आए सी, आई जी सी इंटैलीजेंस का, एस एस पी अजनाला सी, वो लैके उन्होंने इतों बठिंडे लै गए। बठिंडे तो बाईर उन्होंने डिब्रूगढ़ ही लिजाया जा रहा। की कारण की दस्या जी किस हालातों के कारण की उन्होंने दस्ती है, बाकी तो साथी उन्होंने फड़े हुए सी, बहुत सारे साथी उन्होंने कारण तो अपना आप ही दस्या हो, मैं दसन की लड़ नहीं।